أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين और रसूल मुकर्रम आद के हम कबीला हज़रत हूद को याद कीजिए जब उन्होंने अपनी कौम को अहकाफ यानी रेगिस्तानी बस्ती में अल्लाह के अजाब से डराया और उनसे पहले भी कई डराने वाले पैगंबर गुज़र चुके थे और उनके बाद भी आने वाले थे ताकि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो बेशक मुझे तुम पर बड़े दिन के अजाब का ख़तरा है। उन्होंने कहा क्या आप इसलिए हमारे पास आए हैं कि हमको हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दें सो आप वो अजाब ले आएं जिससे आप हमको डरा रहे हैं अगर आप सच्चों में से हैं। हूद ने कहा इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है मैं तुम्हें वो पैगाम पहुँचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया है लेकिन मैं तुम्हारे मुतालिक गुमान करता हूँ कि तुम जाहिल लोग हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को बादल की तरह अपनी वादियों में आते देखा तो उन्होंने कहा यह हम पर बरसने वाला बादल है नहीं बल्कि ये वो अजाब है जिसको तुमने जल्द तलब किया था ये ज़बरदस्त आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है ये अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को बर्बाद कर देगी। फिर वो इस तरह हो गए कि उनके घरों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता था। हम मुजरिम लोगों को इसी तरह सज़ा देते हैं। सदाकल्लाहु मौलाना अलाज़ीम। अल्लाह ताला के करम और उसकी तौफीक से सूरह अहकाफ के सबक आज चंद आयात बयिनात के साथ मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। मक्की सूरत में जैसा कि मैंने कई बार अर्ज़ कर दिया हुआ है अल्लाह ताला गुज़िश्ता अक़वाम में से किसी न किसी कौम का हवाला ज़रूर इरशाद फरमाते हैं। गुज़िश्ता अंबिया की तारीख क़ारी क़ुरान के सामने रखी जाती है। एक नबी को अपनी दावती तहरीकी ज़िंदगी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क़ुरान हकीम ये मुताला अपने क़ारी के सामने पेश करता है। कौमों के उरूज व ज़वाल की कहानियाँ भी आप जानते हैं कि गुज़िश्ता अक़वाम के हवाले से अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल फरमाई हुई हैं। इन सब चीज़ों से मकासिद खैर तो यही होते हैं कि उनको देखकर तुम इबरत हासिल कर लो और उनकी कामयाबियों को देखकर तुम कामयाबियों के उसूल तय कर लो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का बास हवाला इन आयात बयिनात में ज़िक्र किया गया है। बात वही है बत उठी हक की आवाज़ गूंजी नूर की रोशनी फैली कुफर की तारीकियाँ डगमगाईं अल्लाह का नूर गालिब आने के लिए लपका कुफर डरा काफिरों के दिल में हैबत और खौफ तारी हुआ उन्होंने अपनी
झूठ की दुकान बंद होती नज़र आई। नतीजे में अल्लाह के नबी हज़रत हूद के साथ दुश्मनी शुरू हुई, दुश्मनी आगे बढ़ी, तोहमतबाजियाँ, गाली गलौज, मारने की धमकियाँ, जैसा कि नबियों की दावत तहरीक में कई बार हमने पढ़ा हुआ है। फिर आखिरकार नतीजे में एक नबी अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन साल, अहम तरीन महीने, महंगे तरीन साल और महंगे तरीन महीने, मेरी मुराद जवानी है, जब लगा दें कौम फिर भी बाज ना आए। नतीजा फिर यही होता चला आया, एक नबी के हाँ नहीं, दो नबियों के हाँ नहीं, तीन नबियों के हाँ नहीं, बल्कि अक्सर नबियों के हाँ। नतीजा कलाम फिर अल्लाह के अज़ाब पर मुंतही होता। अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब का आ जाना, ये एक अंबिया की तारीख में, हर नबी की तारीख में ये एक दो वर्क हमें पढ़ने को मिल जाते हैं। अज़ाब के नौयत चलो अलग अलग सही, लेकिन ये है कि वह कौम फिर मिल या मिट हो जाती, ना मानने वाले सफ़ा हस्ती से मिट जाते, और उन्हीं सफ़ों के अंदर, उन्हीं गली मोहल्लों के अंदर जो ईमान वाले लोग होते, अल्लाह करीम उन्हें महफूज फरमा लेता, वहाँ से नस्लें फिर आगे बढ़ जाती। इस तरीके से ये तसलसल तारीख़ इंसानी का अगली नस्लों तक और फिर वहाँ से मज़ीद अगली नस्लों तक सफ़र तय करता चला गया। ये लुबे लुबाब अर्ज़ कर लेने के बाद, आज एक तरीका तो ये था कि मैं इस रुकू का तर्जमा करने के बाद मज़ीद आगे बढ़ जाता और अगले उन मज़ामीन तक रसाई हम करते जो हमारे लिए बाहर कैफ रुक करके तो हमें कुछ वहाँ से लेना चाहिए था, यहाँ से भी लेना ही चाहिए था, लेकिन चूँकि तकरार हो चुका है कई बार, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर कुरान हकीम ने बयान कर दिया हुआ है, तो तकरार की वजह से शायद मैं फिर आगे बढ़ जाता, लेकिन बैठे बैठे अचानक अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये रग़बत डाली कि, और वो उस रग़बत की वजह भी ये हुई, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जुमला लिख दिया कि अल्लाह के जो पाकीज़ा बंदे होते हैं, जैसे कि सर फहरिस्त अल्लाह ताला के नबी और सालेहीन, तो रब कायनात उनके मुतालिक इन तरह के लफ्ज़ों के साथ कुरान हकीम में आयात नाजिल फरमाता है, वज़कुर, ज़रा उन्हें याद कीजिए, ज़रा उन्हें याद कीजिए, ज़रा उस नबी को याद कीजिए। इससे वो नतीजा तो ये हासिल करना चाहते थे और सही हासिल करना चाहते थे कि अल्लाह के पाकीज़ा लोगों का और अल्लाह के पाकीज़ा बंदों का ज़िक्र खैर करते रहना, यह ख़ुद अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम में से है, उनके ज़िक्र खैर से बरकत नाजिल होती हैं। यही वजह है कि आज भी सूफिया के यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके जो मुर्शिद लोग होते हैं वो उस सिलसिले आलिया का शजरा पढ़ने का हुक्म देते हैं, इस शजरा को पढ़ा करें, फिर वो मेरे मुर्शिद फलाने थे, उनके मुर्शिद फलाने थे, उनके मुर्शिद फलाने थे, सालहीन का ज़िक्र खैर चलते चलते जनाब हज़रत मौला अली तक चला जाता है, फिर जनाब अबू बकर तक चला जाता है, और फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम तक चला जाता है। इन पाकिज़ा लोगों का ज़िक्र खैर करने से हिजाबात उठते हैं, तसव्वुफ़ के रास्ते आसान हो जाते हैं, मंजिलों की मुश्किलात अल्लाह ताला आसान कर देता है, रूहानी मनाजिल की मुश्किलात। तो इससे वो सबक तो ये लेना चाहते थे कि पाकीज़ा लोगों का ज़िक्र खैर करना ये कोई अजीब और नई और अनहोनी और नापसंदीदा बात नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए अहकाम में से एक हुक्म है। ये बात तो खैर उन्होंने तो नहीं लिखी कि शजरे के पढ़ने का जो जवाज़ है अपने बुज़ुर्गों, उनके बुज़ुर्गों और उनके बुज़ुर्गों, सिर्फ नाम ही ज़ुबान पर जारी कर लेना यह भी बाइस रहमत होता है, और इसकी असर अगर हदीस में देखना चाहें, कुरान तो मैं अभी आपके सामने मज़ीद आयात पढ़ूंगा, इसकी असर अगर हदीस में देखना चाहें तो मौलाए विलायत और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो इसमें गिरामी है, इनके बारे में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमा दिया, वह ज़िक्र अली जिन इबादत, के अली भाई का जो ज़िक्र है सिर्फ इतने कहना अली और फिर कहना अली और फिर कहना अली और फिर कहना अली, ये इबादत है। तो इसकी असल जो है, क्योंकि वो सिलसिला विलायत जा पहुँचता है जनाब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा तक, तो हैदर हैदर कह देना, अली अली कह देना, पाकीज़ा नाम असल में ज़ुबान पर जारी करना, तो यानी इसकी असल हुजूर दे गए। लिहाजा आज अगर कोई शख्स हुजूर के सहाबा में से किसी पाकीज़ा, सब सहाबा पाकीज़ा हैं, किसी का इसमें गिरामी ले ले, यह सोच कर के पाकीज़ा लोगों का नाम भी ज़ुबान पर जारी हो जाए तो यह बाइस खैर होता है। तो इसकी असल कुरान हकीम में अम्बिया के ज़िक्र के हवाले से मौजूद है और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीसों में जनाब हज़रत अली के ज़िक्र खैर की सूरत में मौजूद है। फिर मसाइल तो आगे हासिल होते रहते हैं।
तो जब मैं हज़रत मुफ्ती अहमद साहब के इस कौल को पढ़ रहा था तो अल्लाह रब्बुल करीम ने मेरे दिल में यह ख्याल डाला कि ये इस तरह के लफ्ज़ जो हैं कुरान हकीम ने क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनके हवाले से मौले कायनात ने यह हुक्म जारी किया हुआ है, इन्हें भी तो याद रखो ना, इसे भी तो याद रखो ना, ज़रा इसे भी याद कर लो, ज़रा इस चीज़ को भी याद कर लो, ज़रा इस चीज़ को भी याद कर लो। ये शौक़ पैदा हुआ तो फिर मैंने आयात बय्यिनात इकट्ठी की, तो मैं आपके सामने उन आयात का ज़खीरा बयान करने जा रहा हूँ। रब कायनात ने हम ईमान वालों को मुख्तलिफ़ हवाला जात हैं आयात बय्यिनात के अंदर, मुख्तलिफ़ उनवानात हैं जिनके मुतल्लिक ये हुक्म जारी किया हुआ है कि अल्लाह को तो याद करना ही करना है, लेकिन इन्हें भी याद करो, ये भी याद करो, ये भी याद करो, ये भी याद करो और ये भी याद करो। सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला हिस्सा तो है मैं वो अल्लाह के पाक बाज़ बंदों यानी अल्लाह के नबियों के हवाले से आयात बय्यिनात की सूरत में आपके सामने तिलावत करने जा रहा हूँ, बल्कि ऐसा कर लेते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते वाला शान से बात को शुरू कर लेते हैं। मौले कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, वज़कुर रब्बका कसीर वसब्बिह बिलआशी वल इबकार। अल्लाह का जिक्र, अपने रब का जिक्र कसीर किया करो। कुरान पाक ने कहा अपने रब को कसीर याद रखा करो, ज़्यादा याद रखा करो अपने रब करीम को, उसकी सुबह भी और शाम को भी पाकी बोला करो, सुबहान अल्लाह कहा करो। मैं तो वैसे नबवी अहतमाम पर बाज़ोकात जब इस तरह की बात आती है बड़ा खुश हो जाता हूँ कि मेरे हुज़ूर ने कितना सोना अहतमाम किया। फजर की नमाज़ पढ़ो तो 33 बार कहो ना सुबहान अल्लाह, अल्लाह बड़ा पाक है, कहो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह बड़ा बड़ा है, अल्लाहु अकबर। जहर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, रात को सोते वक्त तक लगे रहो नमाज़ पढ़ने के बाद, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलिमात तैयबात रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत को तलकीन करके गए। तो चलो जितना हुजूर ने फरमाया उतना भी कर लें, तो थोड़ा तो वो भी नहीं है, हुजूर किसी को कब थोड़ा देते हैं। कलिमात कम भी हो, अदद कम भी हो, लेकिन उसके पीछे अता तो बहुत बड़ी छुपी होती है। तो रब कायनात ने इरशाद फरमाया वज़कुर रब्बका कसीर वसब्बिह बिलआशी वल इबकार। आयत नंबर 2 के अंदर भी मौले कायनात ने अपने ही हवाले से कहा है कि यह भी याद रखने वाली बात है, वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सी का, अपने दिल ही दिल में भी अल्लाह को याद किया करो। यानी ज़ुबान से जारी करना यह भी एक मकाम है, रूहानियत के मकामात से, मज़हब के, शरीयत के मकामात से, तसव्वुफ़ के मकामात से ज़ुबान पर अल्लाह अल्लाह करना यह भी पसंदीदा अमल है, लेकिन कुरान हकीम का तफ़ी नफ़्सी का अंदर ही अंदर याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन को, ज़ुबान भी ना हिले। यानी कई बार हवास को भी पता ना चले कि याद चली है अंदर या के नहीं चली है, मुराद इससे ये होती है कमाल दर्जे में पोशीदगी हो जाए और मोहब्बत के उनवानात में पोशीदगी, इंसान इस बात को समझता है, हत्ता कि पोशीदगी इस कदर अहम है कि बस किसी को पता ही ना चला तो हुज़ूर पाक सदक़ात की दुनिया में क्या फरमाते होते थे, दायां हाथ दे बाएं को पता ना चले। तो पोशीदगी जो है ये मतलूब तो है, मकसूद तो है, या जैसे कुरान हकीम इस तरह के अल्फाज कहते हैं कभी सब लोगों से कट कटा कर अल्लाह के लिए भी तो तनहा होकर बैठ जाया करो। तो पोशीदगी जो है ये अल्लाह ताला को पसंद तो है। ये तहज्जुद इसीलिए तो वो हुजूर जुमला ही ये फरमाते होते थे, जो हुजूर जुमला ही ये फरमाते होते थे लोग सोए हुए हों तुम उठ करके अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाया करो। यानी पोशीदगी यानी तुम्हारा और अल्लाह ताला का राज रहे। कई उमूर ऐसे होने चाहिए, उनमें से एक ये है जिक्र करना, जो ज़ाकिरीन होते हैं खफी जिक्र करने वाले, यकीन जान लीजिए कि ये बड़े साहिब मकाम होते हैं, बड़े साहिब मकाम होते हैं, लेकिन इनको पहचानना बहुत मुश्किल काम होता है। इन्होंने सबक की पोशीदगी का पढ़ा होता है, ये बड़ी यद बैदा लिए बैठे हैं तो उनके हाथ भी अल्लाह पाक अपनी ताकत के साथ भर देता है, लेकिन किसी पर ये जाहिर नहीं होने देते हैं। सबक इन्होंने पोशीदगी का पढ़ा होता है, अल्लाह को याद करते हैं तो पोशीदा अंदर ही अंदर, अताएँ होती हैं तो समेट कर खामोश हो जाते हैं, विच्चे झेड़े विच्चे भेड़े विच्चे वंज मुहाने हुए पता ही नहीं चलने देते। जाकिरीन जो है माशाल्लाह ज़ुबान से करने वाले भी बुरे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ख़तरा पड़ा रहता है, ख़तरा वो रियाकारी का ख़तरा मंडलाता रहता है। लेकिन जो खामोश जिक्र करने वाले होते हैं नज़र इनकी कहीं और होती है, दिल कहीं और होता है, चेहरा किसी और तरफ मुड़ा होता है, लोग समझते हैं ऐसे कोई सादा सा बंदा बैठा हुआ है, लेकिन वो अंदर चिराग जलाकर बैठे होते हैं, वो अंदर खुशबू महका कर बैठे होते हैं। सिलसिले नक्शबंदिया के अंदर इसीलिए जिक्र खफ़ी किया जाता है। बरकैफ जो बाकी सलासिल हैं गलत वो भी नहीं है, अपना अपना मिजाज है सिलसिलों का।
तो दूसरी आयत मैंने आपके लिए पढ़ दी कि रब कायनात ने फरमाया कि अपने रब को भी याद किया करो, लेकिन फी नफ्सी का अंदर ही अंदर तदर्रुअन वखीफा, खौफ के मारे भी डर भी जाया करो, रोया धोया भी करो। ये भी कलाम अल्लाह ताला का है। वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, बहुत दिलचस्प अल्फाज हैं। वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, बड़े दिलचस्प अल्फाज हैं। आज बच्चों ने यह हदीस भी पढ़ी है कि वह एक साहब खाना खा रहे थे हुज़ूर के सामने, बिस्मिल्लाह शरीफ उन्होंने नहीं पढ़ी थी। अच्छा, वैसे तलबा को मैंने क्लास में इशारा नहीं कर सका हूँ, अल्लाह की तरफ से ख्याल ही नहीं डाला गया। अब ख्याल में आप अल्लाह ने डाल दिया है तो आपको सबक बताऊँ। अहम सबक है, हदीस पढ़ाते हुए मुझे ख्याल ही नहीं रह सका कि उस साहिब ने खुद थोड़ा कहा था कि मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, वो तो खाना खा रहे थे। ये तो रसूलुल्लाह है कि हुज़ूर ने बताया कि इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी। तो समझना चाहिए कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का वो नज़र की वसत और नज़र की गहराई और ना जाने जाई जाने वाली चीज़ों को जान लेना, यह अल्लाह की अताओं में से अताए ख़ास थी। हत्ता कि फिर जब उन्होंने पढ़ लिया बिस्मिल्लाह अव्वला हु व आखिरा हु, हुज़ूर जिस बात पर मुस्कराए थे तो मुहद्दिसी ने वहाँ हाशिए पर क्या आपने पढ़ा था कि शैतान को उल्टी आई थी जब अव्वल और आखिर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया गया तो हुज़ूर उसको उल्टियाँ लगी देकर हुज़ूर मुस्कराए। तो मैं कहता हूँ कि उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, हुज़ूर पर यह बात वाज़ह थी इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी। शैतान साथ खा रहा था, हुज़ूर पर यह बात वाज़ह थी। शैतान को उल्टी आ गई, ये बात भी हुज़ूर पर वाज़ह थी। हुज़ूर रहमत आलम पर क्या कुछ है, सारे कायनात हुज़ूर के लिए कुछ भी नहीं है, मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है। खैर, हमारी नज़र और तरह की है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की नज़र मुबारक और तरह की है और बहुत ही और तरह की है। तो वहाँ जो मैंने आपको बात कहना चाहिए, आयत में जो पढ़ने जा रहा हूँ, तो हुज़ूर ने उनका भूला हुआ तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी थी, फिर बाद में पढ़ ली, इसको काबिल कबूल जाना और कहा फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा होने पर मैं कहता हूँ आयत कुरानी देखें, रब कायनात ने कहा वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, जब भी भूल जाओ याद आए तो फिर अल्लाह को याद कर लिया करो। यानी ये बहुत मज़ेदार चीज़ है और ये बहुत दिलचस्प है। और मैं बताऊँ, ज़िंदगी में कई बार मेरे साथ में, तो अपने आप को सिर्फ जानता हूँ, वो तो हुज़ूर हैं जो सब को जानते हैं, मैं सिर्फ अपने आप को जानता हूँ। यकीन जानो कई बार जिक्र करने के लिए बैठता हूँ, फिर शैतान हमला करके तो मेरी तवज्जो कहीं ले जाता है। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ नहीं, थोड़ी देर के बाद याद आ जाता है, ओहो मैं तो जिक्र कर रहा था। अच्छा, फिर तवज्जो करता हूँ, फिर वो शैतान आ जाता है, तवज्जो कहीं और चले गए। अच्छा, और फिर मुझे याद आता है मैं तो जिक्र कर रहा था, ये मुझे फिर कहीं और ले गया है। नमाजों में नहीं, कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं चले जाते हैं हम। तो होता है, हम सब भाई इम्तिहान में हैं, दुनिया में आने के बाद हम सब इम्तिहान में हैं। तो इस आयत से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। रब कायनात ने कहा रब को याद किया करो, जब भूल जाओ तो चलो। अच्छा देखो, इस पर मुआवजा नहीं है, इस पर रब कायनात ने मुआवजा नहीं किया। अच्छा भूल गए थे, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, कोई इस तरह की बात नहीं है। भूल गए हो तो चलो, जब याद आ गया फिर मुझे याद कर लो। यानी ये इस लफ्ज़ की लताफत से हमें महसूस होना चाहिए, वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, जब भूल गए। इसी में अभी वैसे आप लोग वहाँ पहुँचे नहीं हो, अभी आप लोग वहाँ पहुँचे नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह ख्याल करे आप पहुँचोगे। अगर बंदे ने नमाज़ नहीं पढ़ी है, वो भूल ही गया कि मैंने नमाज़ पढ़ी है। ज़िंदगी में चंद बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, बड़े उस्तादे गिरामी फरमाते होते थे कि बाज़ हदीसें पढ़कर हम सोचते थे कि जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया ये होता भी होगा कहीं, अगले ही दिनों में अल्लाह ताला हमारे साथ वाक़या कर देता होता था। हुज़ूर फरमाते हैं तो होता है कहीं ना कहीं। तो ये बंदा यानी बंदा सोचता है कि बंदे को मैं नमाज़ पढ़ी नहीं है तो भूल गया हूँ। ये हो सकता है कि बंदा नमाज़ ना पढ़े और भूल जाए कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है। तो फिर मसला ये है कि जब भी याद है फटाफट उठो, वज़ू करो और वज़ू करके नमाज़ पढ़ो। इस आयत से ये मसला भी हासिल किया जाता है। ये तलबा की दिलचस्पी के लिए मैंने ये बयान कर दिया। अच्छा, यहाँ तक मैंने कहा, हमारी तवज्जो आज इस वक्त बारके हकायक दिलचस्प है, हर आयत में एक नया उनवान छिड़ा होता है। तुम्हारे कायनात ने फरमाया है वज़कुर, वज़कुर अखा आद से हम ये उनवान आगे लेकर जा रहे हैं। ये भी याद रखा करो, ये भी याद रखा करो, लेकिन सर फहरिस्त यह कि अपने खुदा को याद रखा करो। सर फहरिस्त बात तो ये है, अपने खुदा को याद रखा करो, उसके बाद फिर अम्बिया का तसलसल है। मौले कायनात ने इरशाद फरमा दिया वज़कुर फिल किताबी मरियम, वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम, वज़कुर फिल किताबी मूसा, वज़कुर फिल किताबी इस्माईल, वज़कुर फिल किताबी इदरीस। यही कलिमात है जो पढ़ रहा हूँ कुरान हकीम में, यही कलिमात है। कभी कहना कि जनाब इस्माईल को याद करो, इदरीस को याद करो, जनाब इब्राहिम को याद करो, तो सिर्फ यही नहीं होता कि याद करो, आगे फिर हर ज़ाते वाला तबार के साथ औसाफ़ हमीदा बयान किए गए। वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिन तब
بدت من اہلها مکانا شرقیا, یعنی ان کی حالات دیکھو, ان کی زندگی کی میں کیا کیا ہوا, یہ حالات و واقعات دیکھو. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. یعنی صرف یہی نہیں کہ ان کا نام یاد رکھو, یعنی ان کی حیات اقدس میں بھی نظر ڈالو, ان کی سیرت طیبہ کو بھی یاد رکھو. تو پاکیزہ لوگوں کو پڑھتے رہنا یا ان کو سنتے رہنا, یہ قرآن حکیم کا بیان ہے, یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اچھا, اس کے بعد رب کریم نے یہ بھی فرمایا کہ واذکر عبدنا داود, یعنی پہلے کلمات کا چلاؤ یوں تھا, واذکر فی الکتاب موسیٰ, کتاب کے اندر ان کو یاد کرو, کتاب کے اندر, پھر لفظ کتاب ہٹا کر کے رب کائنات یہ بھی کہا, واذکر عبدنا داود, واذکر عبدنا ایوب, واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. کتنے انبیاء کا ذکر خیر میں نے آپ کے لیے پیش کیا. واذکر اسماعیل و یسع و ذا الکفل, یعنی یہ سب انبیاء کرام کے نام ہیں. تو میرا واذکر اخا عاد, جہاں اس وقت سورہ احقاف سے ہم گزر رہے ہیں, تو غرض میں نے اللہ کی یاد کے ساتھ یہ بھی کہا کہ رب کائنات کا حکم ہے کہ جن کو میں نے پاکیزہ بنایا ہے انہیں بھی اپنی یاد میں جگہ دیا کرو, ان کا بھی ذکر خیر کہیں کرتے رہا کرو. ویسے قرآن پڑھنے والا شخص یا حضور کی حدیث سے قریب رہنے والا شخص, یوں کہہ لو کہ محراب اور منبر کے ارد گرد کہیں نہ کہیں بیٹھ جانے والا شخص, اسے یہ ساری یادیں نصیب رہتی ہیں, وہ سنتا رہتا ہے. یہ جو کلمات پاکیزہ ہیں قرآن کے اور حدیث کے, یہ بالکل صرف دستک نہیں ہے, یہ آب شفا ہیں, یہ آب رحمت ہیں, یہ آب صافی ہیں. اس کے قریب قریب رہنے والا بندہ اپنی سماعتوں سے جب ان کلمات کو اپنے وجود میں اتارتا ہے تو یہ طہارت دیتے دیتے اپنی منزل تک بندے کو لے جاتے ہیں. یہ پاکیزہ کلمات باہر کے بندے کو صرف طہارت نہیں سکون بھی دیتے ہیں, سکون دیتے دیتے بندے کو روحانی منازل کی طرف آگے لے جاتے ہیں. میں نمبر تین پر ایک اہم بات ہے, کسی زمانے میں نے آپ کو اسپیشل اس پر اسپیشل باقاعدہ ٹھہر کر درس دیا تھا. قرآن حکیم کے اندر ایک علم ہے, اس علم کا نام ہے تذکیر بھی ایام اللہ, تذکیر بھی اعلیٰ اللہ. اگر آپ کو یاد پڑتا ہے تو الفاظ ذرا نئے ہی تھے اس وقت بھی, اور اب میں نے اس پر بیان بھی ایک ہی بار دیا. آج جب کہ اتفاق سے بات چل رہی ہے تو میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے بات کھول دیتا ہوں. اللہ پاک نے انسانی زندگی میں ہمیں زندگی بھر دو تسلسل چلتے رہے ہمارے ساتھ, خوشیاں بھی اللہ نے تسلسل کے ساتھ ہمیں دیے رکھیں, غمیاں بھی ہمیں تسلسل کے ساتھ دیے رکھیں. یعنی ہم خوشیاں محسوس کرتے ہیں, پھر آگے کچھ زمانے گزرے تو کوئی غمی آ جاتی ہے, صحت بھی آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, ہمارے ساتھ غلط ہاتھ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کی کسر پوری کر دیتا ہے. یہ خوشیوں اور غمیوں کا تسلسل جو ہے انسانی زندگی میں, یہ ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو ابھی ابھی یاد کروایا, اور پھر ہر چار پانچ سال یا پانچ چھ سال کے بعد انسانی زندگی میں ایک بڑا سارا ہنگامہ بھی ہوتا ہے, یا خوشیوں کا یا غمیوں کا. وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے, خوشیوں کا ہے تو بڑی ساری خوشی ہوتی ہے, اور اگر چھوٹی چھوٹی غمیاں آتی رہی ہیں تو وہ ذرا بڑا سارا غم ہوتا ہے. کوئی باپ ہی گھر سے فوت ہو گیا, گھر سے ماں ہی فوت ہو گئی, پھر بڑا فوت ہو گیا, یہ بڑا سارا غم ہوتا ہے. یا پھر خوشیوں کی دنیا کے اندر بڑی بڑی خوشیاں آتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ حج نصیب کر دیتا ہے, کسی کو عمرہ نصیب کر دیتا ہے, چند سال گزرتے ہیں کسی کی گودی پھر ہری بھری ہو جاتی ہے. تو یہ انسانی زندگی میں چلتا ہے, خوشیاں بھی اور غمیاں بھی. اتنا کچھ جملہ مجھے اس لیے بولنا تھا کہ تذکیر بھی ایام اللہ کا عنوان یہی ہے, جس کو دو جملوں میں سن لو, پھر میں آپ کے سامنے اللہ کی پاکیزہ کلام کی آیات پڑھ دوں گا کہ جب میں نے تمہیں خوشیاں دی تھیں ان خوشیوں کو یاد رکھا کرو, وہ ہماری نعمتیں تھیں, اور جب تمہیں ہم نے غمیاں عطا فرمائی تھیں تو ان غمیوں کو بھی یاد رکھا کرو, یہ غمیاں بھی ہماری نعمتیں ہیں. یہ میں نے جملہ جو بولا ہے آپ کے لیے ایک دم سے ناقابل یقین قسم کا جملہ ہوا, یہ غمیوں میں کیا نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. تو خوشیوں میں اگر کوئی نعمت ہے تو غمیوں کے اندر بھی نعمت ہے, نعمت تو ہے. تو غم آنے پر 21ویں سوارے میں رب کریم نے اور ایک دو مقامات پر اور بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے, جب بندہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ لب لباب ہے آیات بینات کا, جب بندہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے, بندہ ہمارا جا کہیں اور رہا ہے, کھاتا ہمارا ہے جا کہیں اور رہا ہے, مانگتا ہم سے ہے لیکن جاتا کہیں اور ہے, پھر ہم انہیں کون سی کنڈی ڈال کر کھینچتے ہیں, کسی نہ کسی مصیبت کی کنڈی ڈالتے ہیں, کسی نہ کسی بیماری کی کنڈی ڈالتے ہیں, پھر وہ کسی اللہ والے کے آستان پر حاضر ہو کر کہتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں حضرت, طبیعت ٹھیک نہیں, حالات ٹھیک نہیں, پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. جس کا نام وظیفہ ہوتا ہے وہ اسے اللہ کی یاد ہوتی ہے, وہ اللہ کے کسی نام کا ورد وظیفہ ہوتا ہے. تو یہ کنڈیاں ڈال کر, تو اب یہ غمیاں جو ہیں بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی تو ہوئی نا, اور جب بھی کوئی غم آتا ہے, میں نے باہر
उधर जब मस्जिद तामीर हो रही थी तो स्पेशल आपको सबक दिया था, 21-22 हदीसें बताई थी कि इस उम्मत के साथ अल्लाह ने यह करम किया हुआ कि इनकी छोटी गमी से लेकर बड़ी तक, छोटी परेशानी से लेकर बड़ी परेशानी तक रब कायनात ने हर एक के बदले में इनके लिए अजर रखा हुआ है। तो जैसे नेमतें और खुशियाँ अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है, ऐसे ही गमियाँ भी बाहर के नेमत तो है। आज मैं दिन के टाइम एक हमारे दोस्त बैठे हैं, इनके वालदा के इसाले सवाब के लिए बैठा हुआ था, तो एक हदीस मैंने बताई थी, जब बंदे को गमी आती है तो पढ़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइंदा ज़मानों अल्लाह ने जो खैर देनी थी उसको दे दी, लेकिन आइंदा कमी वो गम फिर ताज़ा हो जाए या फिर पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो जितना खैर ये पहली बार कमा चुका था दोबारा गम याद होने पर, दोबारा ये कलिमात पढ़ने पर अल्लाह उतनी ही खैर इसको फिर अता फरमा देता है। तो गमियाँ बाहर कैफ, ये भी अल्लाह की नेमतें हैं। अब आए, जब इतना मैंने अपना माहौल तैयार कर लिया, तो रब्बे का इनात है, कितनी बार कहा है कुरान हकीम, कितनी बार कहा है कुरान हकीम में, मसलन इरशाद फरमाया उज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिका, ऐ जनाब ईसा जो नेमत हमने आपको दी थी उन्हें भी याद रखा करें। रखते थे नबी, लेकिन नबी के वजूद की रोशनी में उम्मत को समझाना मतलूब होता है, तो ऐ जनाब ईसा जो नेमत हमने आप पर की थी उसे याद रखा करें, जो आपकी वालदा पर हमने नेमत की थी उसे याद रखा करें। जनाब ईसा पर भी नेमत नहीं थी, नेमतों का पूरा एक मुल्क आबाद था, और जनाब ईसा की अम्मी जान जनाब हजरत मरियम पर भी एक आध नेमत नहीं थी, नेमतों का हुजूम था। तो नेमतें मिलें तो उन्हें याद रखना, यह रब आलमीन का हुक्म है। उज़्कुर लफ्ज़ पर हमारी तवज्जो इस वक्त है कि याद रखने के काबिल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जब बंदे को अपनी, वो आप लोग पंजाबी में कहते हैं बंदे को अपना माजी याद रखना चाहिए, बंदे को अपनी गुरबत याद रखनी चाहिए, हाँ याद रखनी चाहिए। मैं कहता हूँ माजी भी याद रखो, हाल भी याद रखो, गुरबतें भी याद रखो, अमारतें भी याद रखो, अपनी असल भी याद रखो, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। अच्छा, फिर मौल कायनात ने इरशाद फरमाया या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल अल्लाह की उन नेमतों को याद रखो जो हमने तुम पर की हुई हैं। यही अल्फाज हैं, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। उन नेमतों को फिर आगे बयान भी रब कायनात करता है, यानी एक तो है कि कुल्ली सा कानून सा जुमला, नेमत याद रखो, नेमत याद रखो, नेमत याद रखो। फिर मौल कायनात ने चंद चंद नेमतों का नाम लेकर बता करके ऐसे याद रखते हैं कि अल्लाह ने ये नेमत मुझे अता फरमाई थी, फिर नेमत का नाम लेकर बताना अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई थी। अब मसलन ये देखो, वज़्कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम व मा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमा, अल्लाह ने किताब अता फरमा दी है, कितनी बड़ी नेमत है, याद रखो इसको। अल्लाह ने हिकमत अता फरमा दी है, ये कितनी बड़ी नेमत है, याद रखो इसको। आप सबको भी याद रखना चाहिए, बहुत साल पहले जब आप मेरे पास चलो आना शुरू हुए तो मैं कहता हूँ कि कई हदीसें उसी किताब, जिस किताब की बात हो रही है उस किताब की कितनी बातें आपने सीखी, जिस रसूल रहमत का जिक्र खैर हो रहा है उस जिक्र रसूल रहमत की कितनी हदीसें आप लोगों ने सुनी और समात की, इनको याद भी रखा करें। मैं कहता हूँ इनको याद रखा करें, ये कोई और ही माना निकला है, याद रखा करें हुजूर की हदीसें, याद रखा करें, ये एक और अंदाज़ में बात हो गई। और याद रखना चाहिए, जो हुजूर की हदीसें सुनने के बाद भुला देता है, कुरान भी बंदा याद करे और भूल जाए तो हुजूर नाराज़ होते हैं, वो क़यामत वाले दिन बंदा अच्छी हालत में नहीं उठेगा। जो कुरान भी याद करके भूल जाए और हुजूर की हदीसें सुने तो इनको याद रखें, हुजूर इतने खुश होते हैं, दुआ दे देते हैं उसको, फिर हुजूर फरमाते हैं जो मेरी बातें से उनका याद रखे अल्लाह उसे तरोताजगी अता फरमा दे। ये थोड़ी बड़ी दुआ है, वो खुश रहे, जिसे आप कहते हैं खुश रहो जी, वो जो खुश रहो जी, ये हमारी ज़ुबान के अल्फाज हैं और सरकार के पाकीज़ा लफ्ज़ हैं, नद्दर अल्लाह, अल्लाह उसे बंदा फूलों की, उस बंदे को फूलों की शगुफ्तगी अता फरमा दे, तरोताजगी अता फरमा दे, जो सरकार की बातें याद रखता है। वैसे अच्छी बात है, अभी आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कम से कम 300-400 हदीसों आपको याद हो चुकी होगी, वो जो आपने हदीस की किताब शुरू की हुई है वो है मुख्तसर मुख्तसर लफ्ज़ों पर मुश्तमिल जुमले, लेकिन क्या कम बात है कि बंदा कुरान का भी हाफिज़ हो जाए और चलो 500, 1000, 2000 हुजूर की हदीसें भी याद हो जाएँ। मदारिस में मेरे बच्चों बहुत कम जगह ऐसी रह गई हैं कि जिनमें हुजूर की हदीसें याद करने का एहतमाम किया जाता है, कुरान पाक हिफ्ज करने का एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार है, बेशुमार है और बेशुमार है, लेकिन हुजूर की हदीसें भी याद की जाएं, याद करवाई जाएं, मदारिस में ये एहतमाम हैं, अल्लाह के बड़े बड़े अच्छे बंदे मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम होकर रह गया है।
अब तो निजाबी कार्रवाई होती है, बस पेपर किस चीज़ से पेपर हल होते हैं, बस उतना को पढ़ लें और गुजारा चला लें। अल्लाह की मोहब्बत की खातिर पढ़ना ये उनवानात, जहाँ अल्लाह ने चाहा है बस वहीं रह गए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के सीने और कुशादा फरमाए। तो नेमत को याद करवाया और कहा नेमत फलानी, नाम भी लिया। ऐसे ही मौला कायनात ने कहा वज़कुरु नेमत अल्लाही अलैकुम। मैंने कहा नहीं था कि वो जो मनफी चीज़ें होती हैं वो भी नेमत ही हैं। एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ वकलीफ आ जाए ये भी नेमत ही होती है। अब कहा यह है वज़कुरु नेमत अल्लाही अलैकुम, लेकिन ज़रा देखना नेमत है कौन सी। कोई फल फ्रूट नहीं बयान होने लगा यहाँ और ना ही कोई खीर बयान होने लगी है। कहा इद कुंतुम अअदाअन फअअल्लफा बैना कुलूबिकुम। इस नेमत को याद रखो ना, जब तक सरकार नहीं आए थे कैसे दुश्मन थे आपस में एक दूसरे के हैं, तो फिर सरकार आ गए तो हुजूर ने आ करके ऐसी नज़र डाली, ऐसी तवज्जो का फैज़ दिया, तुम्हारी दुश्मनियाँ मोहब्बतों में तब्दील हो गई। यानी ये देखो ये दुश्मनियों का होना फिर दुश्मनियों का मोहब्बतों में तब्दील हो जाना, इस चीज़ को रब्बे कायनात ने नेमत करार दिया है और इसको याद रखा करो। ज़िंदगी के अच्छे और बुरे अय्याम, सादे लफ्ज़ों में यूँ कह लो, हालांकि अय्याम ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, अल्लाह की मखलूक है, लेकिन माहौल में जो जुमला चलता है कि ज़िंदगी के अच्छे और बुरे अय्याम, या इसको जुमला बदल कर कैसे हम कह सकते हैं, इन अय्याम के अंदर जो बंदों के साथ अच्छा या बुरा होता रहा तकदीर की तरफ से, इन दिनों के अंदर इन महीनों के अंदर बंदे के साथ अच्छा बुरा जो होता रहा, इसे याद रखना, यह अल्लाह ताला का हुक्म है, मुबारक है। अच्छा ऐसे ही एक वाक़िया हुआ था, लंबा चौड़ा मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ कलिमात खैर। वज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम इद क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम। कुछ लोगों ने हमला करना चाहा था ताकि आज सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जाएँ, बस हम तो ऐसे ही कह सकते हैं। कुछ लोगों ने हमला करना चाहा था, बाकायदा मनसूबा बंदी की थी, प्लान किया था। तो फिर अल्लाह ताला जब तक चाहेगा, तो अल्लाह ताला किसी आम बंदे को नहीं मरने देता जब तक उसका हुक्म पूरा ना हो जाए। आम से बंदे को नहीं मरने देता, आम से जानवर को नहीं मरने देता। मैं आपको याद करवा देता हूँ, अभी मौसम गर्मियों का शुरू होने वाला है, मच्छर काटेंगे आपकी चारपाई के इर्दा गिर्द आकर। कुछ मच्छर तो आपके पहले ही हमले से मर जाते हैं, लेकिन कुछों को आपने एक बार मारा नहीं मारा, फिर मारा नहीं मारा, फिर मारा नहीं मारा, कैसे मरेगा जब हर शय की मौत का एक वक्त मुकर्रर है। मक्खियाँ तंग करती हैं तुम उन्हें मारना चाहते हो लेकिन वो नहीं मरती हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह जिसको जब तक जिंदा रखना चाहता है, वो मक्खी हो तो मक्खी, चींटी है तो चींटी, मच्छर है तो मच्छर, उसे अपने वक्त से पहले नहीं मरना है। हर शय की मौत का एक वक्त मुकर्रर है। ये ज़ाब्ता सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, हर मखलूक के लिए है। कई बार कांच का गिलास तुम्हारे हाथ से गिरा और टूट गया, हालांकि काफ़ी बुलंदी से गिरा, और कई बार ट्रे से नीचे गिरा तो टूट गया, और कई बार इससे हाइट से गिरा तो बच गया। बेटी घर में तैयार होती है कि आप झिड़कियाँ पड़ेंगी या पड़ेंगी, और खुशी से उछल जाती है, मामा बच गया है, तो वो गिलास घरों में बच जाते हैं। तो गिलासों की भी मौत का एक वक्त है, उनके टूटने का एक वक्त है, चले दिमाग कहीं और जा रहा है अल्लाह की मसनूआत की तरफ और अल्लाह की कारीगरी की तरफ। तो मैंने कहा कि रब्बे कायनात, हाँ तो फिर उस कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नामुराद कर दिया और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत तामा में ले करके तो हुजूर वहाँ से वापस तशरीफ़ ले। जनाब जिब्राइल आ गए थे उनकी उस कार्रवाई को ज़ाया करने के लिए और उनके उस मनसूबे को पस्त करने के लिए और नामुराद में दाखिल करने के लिए जनाब जिब्राइल। तो ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। मैं कहता हूँ ये कितनी जबरदस्त नेमत है। रब्बे कायनात ने कहा वज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअला फीकुम अंबिया। ये कम नेमत है कि ऐ इंसानों तुम्हें अल्लाह ने अपने नबी जैसी पाकीज़ा हस्तियाँ अता फरमा दी हुई है, कम बड़ी नेमत है। फिर नबियों की दुनिया में खास करके सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का वजूद मकसूद और वजूद मसऊद भी, वजूद मतलूब भी, वजूद मकसूद भी। तो ये लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, सब नबियों का आना अल्लाह की नेमत है, लेकिन ईमान वालों जो तुम्हें रसूल अता फरमाए हैं, जो तुम्हारे रसूल मुअज़्ज़म है, वो नेमतों की जान है, नेमतों की भी रूह है, वह अम्बिया के सरदार हैं। ये देखो अल्लाह ने अपना महबूब तुम्हें अता फरमा दिया, तो अल्लाह का नबी मुयस्सर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुयस्सर है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं एक बार भी ताज़ा तरीन कहीं दरसे कुरान देने के लिए गया, तुम्हें पर एक साहिब ने एक सवाल लगा दिया, यह बिल्कुल इसी हफ्ते की बात है। तो
بھر کیف اس عنوان کے ساتھ اچانک اللہ رب العالمین نے طبیعت کو مائل کیا ہے تو آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں. وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں نے آپ کا دورہ تفسیر سنا ہے تو آپ نے انبیاء سارا قرآن پاک اس میں ہر نبی یہ اعلان کرتے رہے ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر اللہ کے پاس ہے, میرا اجر اللہ کے پاس ہے. کسی نبی نے بات آگے نہیں بڑھائی لیکن حضور نے آگے بڑھا دی ہے. یہ بھی کہا کہ ان اجری الا علی اللہ, اور یہ کہا کہ ما سألتکم من اجر, میں تم سے سوال نہیں کرتا, میں کچھ مانگتا ہی نہیں تم سے, ہاں بس یہ ہے کہ میری آل سے پیار کرو. اس صاحب نے سوال کرتے ہوئے کہہ دیا کہ پھر ایک تو یہ کہ کسی اور نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری آل سے پیار کرو, اس طرح حضور کی زبان اقدس ہی سے اعلان کیوں کروایا گیا. اور پھر اس نے یہ بھی سوال کر دیا, سوال نمبر دو کر دیا. ایک بار تو میں تھوڑا سا سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا مجھے جواب کیا دینا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مدد عطا فرمائی. اس نے دوسرا سوال پھر یہ کر دیا کہ رب کائنات نے یہ کیوں نہیں کہا سرکار کو کہ حضور آپ ان کو کہیں کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا, بس تم میرے صحابہ سے پیار کرنا, ان کے ساتھ جڑے رہنا, یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی اس نے سوال کر دیا. وہ تو پھر اللہ رب العالمین نے مدد میری مجھے نصیب فرما دی. تو جو بات میں یہاں سے اٹھان لے رہا ہوں اس کو ساتھ پھر ہم میچ کریں گے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی ہر نبیوں کو نبیوں کے بعد سلسلہ آل کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. ہر نبی کو پتہ تھا میں آخری نہیں ہوں, میرے بعد اور آنے والا ہے, میں چلا بھی جاؤں گا تو پیچھے سنبھالا دینے والا ہے, قافلہ آدمیت کو اٹھان دینے والا ہے, کوئی ان کو منزل پر لے جانے والا ہے. ہر نبی کے بعد ایک نبی, ہر نبی کے بعد ایک نبی, کیونکہ اب حضور کے بعد نبوت ختم تھی. تو رسول اللہ جانتے تھے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی قائد رہنا چاہیے, ہر زمانے میں کوئی منزل تک لے جانے والا رہنا چاہیے. تو اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اہتمام کیا, کسی اور نبی نے یہ اہتمام نہ کیا. اس نے کہا آپ ختم نبوت کا اشارہ کرنا چاہتے ہیں, ہے وہ بھی پڑھ لکھا آدمی تھا, میں نے کہا جی ہاں میں ختم نبوت کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میں نے جو بات کہی ہے یہ غلط بھی نہیں ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ حضور نے صحابہ کا نام کیوں نہ لیا, صحابہ بھی تو بڑے پاکیزہ لوگ تھے. میں نے کہا یار دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن یہ جملہ فرمایا تھا کہ آج سے 100 سال کے بعد جتنے آج تم میں موجود ہیں روئے زمین پر کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے. حضور اس طرح کے جملے جانتے تھے, لیکن جب تانا لگا تھا کہ حضور کی نسل ختم ہو جائے گی تو پھر حضور نے نہیں رب کائنات نے جواب دیا تھا نسلیں ختم ہوں گی کسی اور کی, دشمنوں کی ختم ہوں گی, نسل محمد قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے. کیونکہ اس پر نس آ چکی تھی انا آتیناک الکوثر, ہم نے جو آپ کو اولاد عطا فرمائی وہ کثیر ہے, کثیر کا کوئی حادی نہیں ہے. 100 سے 100 دیکھو تو 200 کثیر ہے, 200 دیکھو تو 400 کثیر ہے. کثیر کو کہاں روکو گے, جہاں روکو گے اس سے آگے پھر کثیر موجود ہے. میں نے کہا حضور جانتے تھے کہ صحابہ جو ہیں وہ تو 110 ہجری کے بعد ختم ہیں, تو جن کا وجود مقصود 10 ہجری کے بعد سیدھا جنت میں جا پہنچا ان کی طرف حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے قیامت تک کی امت کو جوڑیں, کیسے ان کی عزت کریں, احترام کریں. لیکن جو یہ کہ محبت کرتے رہنا, میرا یہ سوال تمہارے نام باقی ہے, وہ میری آل کے ساتھ ہے, اس لیے کہ میں محمد جا رہا ہوں لیکن خون رسول قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے. حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ باقی رہنے والے ہیں, میری نسل کی بقا کی بات رب کائنات نے ارشاد فرما دی ہوئی ہے. میں اس جملے سے بڑھا کے رب کائنات نے کہا اس کو بھی تو یاد رکھو نا کہ تمہارے اندر نبی موجود ہیں. میں کہتا ہوں آج سرکار دو عالم تو جیسے اللہ چاہ رہا ہے اس وجود رحمت کے ساتھ موجود ہیں, لیکن ذرا آگے بڑھ جاؤ تو حضور کا خون تو پھر بھی موجود ہی ہے, کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے. اور بڑی بڑی عظیم المرتبت ہستیاں آج بھی حضور کے خون کے حوالے سے موجود ہیں. تو یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اسے یاد رکھنا چاہیے. اچھا پھر میں اب آگے بڑھ جانا چاہوں گا. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون, اے بنی اسرائیلیو یہودیو یاد ہے تمہیں کہ فرعون تمہارے ساتھ کیا کیا کرتا ہوتا تھا؟ آخر ہمارا ایک پاک باز بندہ آیا جناب موسیٰ, تو اس نے پھر آ کر کے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلا دی. تو اس نعمت کو یاد رکھا کرو. تو آپ سمجھ آئیے آپ کو کہ زندگی میں جو ہمارے ساتھ اچھا برا ہوتا رہا اور ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا اسے کبھی یاد رکھنا, جب بھی اچھا یاد ہے تو الحمد کہہ دینا, مولا تیرا شکر ہے یہ خوبی تو نے عطا فرمائی تھی, اور جب کبھی مندہ ہوا تھا ہمارے ساتھ وہ غم یاد آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا, یہ تسلسل کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھتے رہنا, یہ قرآن حکیم کا حکم ہے, انہیں یاد رکھا کرو. یہ یاد رکھنے بڑے فائدے ہیں اور بڑے فائدے ہیں. میں بس آگے بس مختصر کرتے ہوئے, ورنہ آیات بینات تو ماشاء اللہ ہجوم ہوتا ہے پھر, لیکن اب میرا مقصد کافی حد تک پورا ہو گیا ہے. میں سمیٹتا ہوں, ایک آدھ آیت کی ویسے میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے تو میں وہ بھی آپ کے سامنے لے آؤں گا, لیکن بات کو میں سمیٹتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا
में वज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, क्या क्या मज़ेदार कहानी है, अल्लाह को वैसे याद किया करो जैसे अल्लाह ने सिखाया है तुम्हें। अल्लाह को वैसे याद किया करो जैसे अल्लाह ने सिखाया है। हाँ जी, अल्लाह ने कैसे सिखाया है? नमाज अल्लाह का जिक्र है तो नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना अल्लाह ने हमें सिखाया है तो नमाज की सूरत में अल्लाह को याद रखना। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान सर अल्लाह का जिक्र है तो कुरान की तिलावत की सूरत में अल्लाह को याद रखना। यानी आप कहते हो कि जी अल्लाह ने हमें कहाँ सिखाया है, मैं आपको ये याद करा रहा हूँ कि अल्लाह ने तो आपको कहाँ सिखाया है, कुरान की तिलावत ये अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, तो इसे करते रहने का हुक्म रब्बे कायनात ने दिया, ये है कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। तो कुरान पाक पढ़ते रहना, हर दिन कोई दिन ऐसा ज़िंदगी में आ जाए कि तिलावत ही नहीं हुई है तो मेरा ख्याल है कि वह दिन तुम्हारे जाने के काबिल है हमारे लिए, कि हम मुसलमान होकर कोई दिन ऐसा गुजरे। देखो रसूलुल्लाह ने एहतमाम करने दिया, रोज़ा बगैर तिलावत के हो जाता है, नहीं तिलावत की रोज़ा फिर भी हो जाता है। जैसे नमाज का हिस्सा है तिलावत, रोज़े का हिस्सा नहीं है, चुप करके सोए रहो सारा दिन, रोज़ा हो गया, ज़कात चुप करके पकड़ा दो, तिलावत नहीं करनी पड़ती, डेढ़ पाओ ज़कात हो जाती है। हज के अंदर भी कहीं तिलावत नहीं है, वो जिक्र अजकार हैं, तिलावत कहीं भी नहीं है, बगैर तिलावत की हज हो जाता है। क्योंकि हुज़ूर जानते थे हज तो ज़िंदगी में एक बार है, रोज़े साल के बाद है, और ज़कात भी अगर हैं पैसे तो साल के बाद हैं। अब साल साल बंदे नहीं, नमाज रोज़ाना थी, मेरे हुज़ूर ने कहा नमाज के अंदर तिलावत डालते हैं ताकि तुम अगर कहीं कंजूसी और बुखल कर भी जाओ ना तो नमाज तो पढ़ोगे ना, जहाँ नमाज पढ़ोगे साथ कहीं ना कहीं तिलावत की सूरत में अल्लाह का जिक्र हो ही जाएगा, कहीं सुबहान रब्बी अल आला हो ही जाएगा, सुबहान रब्बी अल अजीम हो जाएगा। तो जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, जुमला ये है कि जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है ऐसे अल्लाह को याद करो। तिलावत अल्लाह ने हमें सिखा दी, यानी पढ़ा करो, यही अल्लाह की याद है। नमाज की सूरत में अल्लाह को याद करना, फिर जैसे जैसे फिर रब्बे का आयनात एक बड़ा सारा हुक्म दे दिया, फ़ज़कुरू नहीं, चलो जो भी लफ्ज़ तुम्हें मेरे नाम का आता है तो मुझे उसी अंदाज में याद करिया करो, मैं भी तुम्हें याद रखा करूँगा, यानी मैं भी तुम्हारे लिए अताओं के दरवाजे खोलता खोलता रहा करूँगा। फ़ज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, फ़ज़कुरुल्लाह, अच्छा वो जो था ना कसीरन, अल्लाह को ज़्यादा याद किया करो, कि अल्लाह करीम ने कितना को याद किया करे, ज़्यादा कितना को हम समझें। रब्बे का आयनात ने कहा देखो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या, या बैठे होते हो या खड़े होते हो या लेटे होते हो, तो चलो ये और क्या करते हो, तो हाल तो यही है ना, या बंदा बैठा हुआ है या खड़ा है, चल फिर रहा है, लेटा हुआ है। तो रब्बे का आयनात ने कहा फ़ज़कुरुल्लाह क़ियामन, खड़े हो तो खड़े खड़े याद कर लिया करो मुझे, हैं ये अल्लाह सिखा रहा है, खड़े हो तो खड़े याद कर लो, क़ुउदन, बैठे हो तो बैठे बैठे याद कर लो, अला जुनूबिकुम, लम्बे पाए हुए हो तो लम्बे पहने की हालत मुझे याद कर लिया करो, लेटे लेटे याद कर लिया करो। ये उस कसरत की तस्वीर रब्बे का इनात बयान कर दी। अल्लाह का शुक्र है, किस बात पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नमाज पढ़ने के लिए वजू और तहारत का होना ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह का जिक्र करने के लिए तहारत का होना उस तरह लाजिम नहीं है। अगर वजू नहीं भी है तो अल्लाह को फिर भी याद किया जा सकता है। यह भी अल्लाह क्योंकि चाहता था कि कसीर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, अब अगर यहाँ भी तहारत वजू गुस्ल लाजिम करार दे दिया जाता तो फिर जिक्र कसीर ना होता, मुश्किल बन जानी थी। लेकिन रब्बे का इनात ने इस मकसद से ऐलान कर दिया कि कुरान पाक है, अगर उसको छूना है या नमाज है तो उसके लिए नमाज का हुक्म आया, कहता नमाज है तो गुस्ल वुजू कर लिया करो, कुरान पाक को छूना है तो चलो फिर भी हम तुम्हें कहते हैं कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, लेकिन कुरान पाक को छूने से हट जाओ, नमाज पढ़ने से हट कर अलग हो जाओ, बाकी जो दुरूद सलाम का जिक्र है तहारत तो सोने पर सोना है, सुहागा क्या शय होती है, सोने पर सोना है, लेकिन अगर चलो नहीं भी है तो अब तहारत नहीं है तो इस वजह से जिक्र करना ना छोड़ना, याद हमें रखते रहना, याद हमें रखते रहना। वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, और फिर इस पर तो ऐलान भी हो गया कि जब अल्लाह को याद करोगे तो ये कोई ऐसे नहीं है कि इससे कुछ मिलना नहीं है, जो मिलना था उसको पहले बयान कर दिया, अल्लाह का जिक्र करो, याद करो अल्लाह को। तो रब्बे का आयनात ने फरमा दिया वबतगु मिन फ़ज़लिल्लाह, जिक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारी झोली में अपना फजल डाल देगा। ये फजल जो है, फजल जिसको मिल जाए क्या उसका पीछे बाकी रह जाता है, जो बाकी नहीं मिल सका तो वबतगु मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। मौला करें क्या, कहा वज़कुरुल्लाह, करना क्या है, अल्लाह को याद करो, अल्लाह करीम तुम्हें अपना फजल अता फरमा देगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आज जिस मकसद के लिए आप आए हुए हो दरस कुरान के लिए, चलो दरस कुरान चल गया, ये जो आए हुए आज किताबुल्लाह में गौर व फिक्र करने के लिए, आपने क्या गौर व फिक्र करना है यार, हमने क्या गौर फिक्र करना है, तिलावत बड़ी मुश्किल से दो चार आयतों के नसीब हो जाए, तर्जमा नसीब हो जाए, बड़े बुजुर्गों की दो चार बातें हो जाए, बड़ा इतना ही हम छोटे लोगों के लिए, हमने क्या गौर फिक्र करना है, हम कोई मुफक्किरीन इस्लाम है,
क्या हमने गौर फिक्र करना है। लेकिन रब कायनात ने कहा वदकुरु मा फीही, जो किताब तुम्हें दी है तो उसको याद किया करो, लेकिन कैसे, मा फीही, उस किताब में जो है ना उस किताब के अंदर, उसे भी तो याद किया करो। लफ्ज़ और शय है लेकिन इस किताब में है क्या, इसमें लिखा क्या है, वो भी तो तवज्जो में लाया करो। लअल्लकुम तत्तकून, उस किताब में जो है उसे याद रखने में, उसमें गौर फिक्र करने में। आज कल जुमातुल मुबारक है, तो कल तो हमारी आयत ही ये है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, तदब्बर नहीं करते कुरान पाक में। तो किताबुल्लाह में तदब्बर करना, गौर फिक्र करना, ये बड़ी जान है अल्लाह की याद के लिए, बड़ी जान है। बात बात में गौर फिक्र करना तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत तक लेकर जाएगा, अल्लाह की याद तक लेकर जाएगा। फिर वक्त आ जाएगा, ऐसा कई लोगों पर आ जाता है, कभी कभी ऐसी झलक अल्लाह ताला हम छोटे लोगों को भी अता फरमा देते हैं। खाना खाते हुए हर लुक्मे पर तुम्हें याद आ जाएगा, मैं इस लुक्मे के भी काबिल नहीं हूँ, ये महज अल्लाह की अता है। मैं इस पानी के घूंट के भी काबिल नहीं हूँ, महज अल्लाह की अता है। ये जो कपड़े मैंने इतने अच्छे पहने हुए हैं, ये मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये महज अल्लाह की अता है। बर कैफ सच कह गया, जो भी कह गया, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते। बात सच कही है जिसने भी कही है, ये जो नाज़ो अंदाज़ चल रहे हैं, असल में किसी और के नाम पर अताओं की बारिश है जो ईमान वालों पर बरस रही है। वरना उम्मती हम भी हैं, दूसरे भी उम्मती थे, लेकिन जो अताओं का निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस उम्मत के साथ है, ये किसी और के साथ नहीं रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज दरसे कुरान जो है अपने सबक और मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया है। अब मज़ीद अल्लाह की तौफीक ही शामिल हाल होगी। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारे मिलकर, क्योंकि रब कायनात ने फरमाया है, जब मैं कोई नेमत देता हूँ तो शुक्र अदा करो, जब तुम शुक्र अदा करोगे मैं उस नेमत को और ज़्यादा कर दूँगा। तो हम इस आज सबक आगे चला है सूरह अहकाफ़ का, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगले जुमरात को इंशाल्लाह और आगे चलेगा, और फिर अल्लाह ताला खास मदद अता फरमाएगा। बरकैफ कोशिश किया करें कि आए तो सबक ही सारा ये तो याद भी रखा करें, आए तो सबक ही सारा ये तो याद रखा करें, ये भी याद रखें, ये भी याद रखें, ये भी याद रखें, ये भी याद रखें। तो अल्लाह ताला अपनी यादों के सवेरे हमेशा हमेशा हमारे शामिल हाल फरमाए, अपनी मोहब्बत के उजाले हमेशा हमेशा हमारे शामिल हाल फरमा दे। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।